हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2A स्विच कनेक्शन के बारे में। आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है वो 2A स्विच का डायग्राम है। 2A स्विच में तीन पोर्ट दिए गए हैं, ये तीन पोर्ट, और हमारे पास अभी दो 2A स्विच है। ये हमारे पास ये दो 2A स्विच है। हमारे पास जो ऊपर का पोर्ट है हम उसको आपस में छोड़ देंगे, और हमारे पास जो सबसे नीचे वाला पोर्ट है, तीन पोर्ट में से सबसे नीचे वाला जो पोर्ट है, इसको भी हम दोनों को छोड़ देंगे। हमारी जो फेज वाली लाइन है, कि हम जिसको पावर बोलते हैं, वो फेज वाली लाइन है, वो फेज वाली लाइन को हम बीच वाले पोर्ट में कनेक्शन कर देंगे एक स्विच में। यह दूसरी स्विच का जो बीच वाला पोर्ट है, ये बीच वाला पोर्ट है, उसको हम लैम्प, हमारे लैम्प से जोड़ देंगे। दूसरा जो हमारे पास न्यूट्रल वायर है, हम उसको सीधा लैम्प में छोड़ देंगे, लैम्प के होल्डर के साथ। तो हमारे पास यहाँ दो कनेक्शन, दो वायर हो गए, मतलब कि सर्किट पूरी हो गई है। हमारी ये दोनों स्विच जब बंद रहेगी, मतलब कि इस मोड में रहेगी, तो कनेक्शन ऐसा होगा, यहाँ से जो फेस का पावर है वो यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और आप कमेंट करना, ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट कर देना। अगली बार 2A कनेक्शन फैन के बारे में लेके आएंगे, जिसमें रेगुलेटर हम कैसे लगाएंगे वो भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।